मंडलाधीश आशीष कुमार ने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता तरुण गर्ग और अन्य अधिकारियों के साथ जल घरों का दौरा किया तथा जल घरों में स्टोर किए गए जल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के लिए विभाग के जल घरों में पर्याप्त जल उपलब्ध है तथा विभाग प्रत्येक शहरवासी तक वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। जेएलएन नहर में पानी को इकट्ठा करके चैनल के माध्यम से जल घरों तक पहुँचाया जा रहा है। जी आज हमारे जो वाटर वर्क्स हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनका दौरा किया गया था जिसमें वाटर वर्क्स 1, 2, 3 का और जेएलएन से जो फीडिंग होती है इनलेट जो चैनल हमारी शहर में जो मेन फीडर करती है उसका दौरा किया गया था। और उसको देखने के बाद लगा कि हमारा जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है वहाँ पे प्रॉपर कैपेसिटी के साथ जो हमारी इनलेट चैनल है उसमें प्रॉपर कैपेसिटी के साथ पानी जा रहा है और जो हमारा ओल्ड शहर एरिया है उसके अंदर जो वाटर वर्क्स फर्स्ट है जो फीडिंग करता है वहाँ पे एक टाइम प्रॉपर जो पानी है वो सुचारू रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा वाटर वर्क्स 2 है जो जज्जर रोड के ऊपर है वहाँ पे पानी हमारे पास सफिशियंट अमाउंट के अंदर है, वहाँ पे हमारे तीनों टैंक फुल हैं और फुल कैपेसिटी से वहाँ पे हमारा जो हमारे पंप्स हैं और जो हमारा बूस्टर है वो चल रहा है जिससे हमारा उस एरिया का जो पानी है 2 टाइम हम सुचारू रूप से दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा वाटर जो वर्क्स है वहाँ पे हमारा जो पानी है वो हम अपना जो आउटर जो एरिया है जो सेक्टर एरिया है और जो हमारा बोहर का एरिया है उस एरिया में सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे पानी सफिशियंट है, एक टाइम पानी प्रॉपर दिया जा रहा है। बोहर के कुछ एरिया के अंदर जो पीछे की तरफ का जो एरिया जहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, एक दो जगह गलियों के इश्यूज थे, उन गलियों के इश्यूज के रिगार्डिंग एक्शन साहब पर्सनली उसको रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी उसको रिजोल्व कर देंगे। तो सर जैसे अभी ये मानसून आने वाला है तो सर शहर में अभी आप देख रहे हो काफी जगह पर नालों के ऊपर कब्जे किए हुए लोगों जी, तो सर उनका क्या कुछ रहेगा? देखो नालों की सफाई के लिए टेंडर नगर निगम के द्वारा दे दिया गया है और नगर निगम अपने एम्प्लॉयज को लगा के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको लगा के भी नालों को जल्दी साफ करवा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट है और जहाँ पे हिंड्रेंस होगी, अगर नेचुरल वाटर फ्लो के हिंड्रेंस है तो उन जो कब्जे हैं उनको हटवाया जाएगा और उन पे कार्रवाई की जाएगी।